हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जौनपुर में मिली बुद्ध की मूर्तियाँ और बुद्ध के अवशेष। दोस्तों, भारत में कहीं पर भी खुदाई होती है तथा खेतों में हल भी चलाया जाता है तो बुद्ध के अवशेष निकलते हैं। लेकिन इस जौनपुर में जैसे ही गाँव के लोगों ने यह खबर भंते सुमित रतन को दी, उन्होंने यहाँ तुरंत पहुँचकर देखा तो वह नतमस्तक हो गए। देखे उन्होंने क्या कहा। जौनपुर का ये गांव है जहां बौद्धकालीन बौद्ध अवशेष मिले हैं। यहां कोई भी खुदाई होती है, यहां कोई भी हल चलाया जाता है और खेतों में काम होता है तो इस तरह से बौद्ध अवशेष मिलते हैं। दोस्तों, इस पूरे भारत में बौद्ध संस्कृति का शासन रहा है। महापद्मनंद से लेकर सम्राट हर्षवर्धन तक, नाग राजाओं से लेकर पल्लवियों तक राजाओं ने बुद्ध संस्कृति का शासन किया। इस शासन में बुद्ध से जुड़े सभी प्रतीकों की पूजा हुआ करती थी। आप वीडियो में देखेंगे कि गांव के कुछ लोग दुनिया को दिखाने के लिए अपने हाथों में बुद्ध मूर्तियों के साथ बुद्ध अवशेष लिए खड़े हुए हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं तो आज उस समय के अखंड जम्बूद्वीप पर जहां भी खुदाई होती है, चाहे फिर घर बनाने को लेकर खुदाई क्यों ना हो, वहां पर भी बुद्ध प्रतिमाएँ और बुद्ध अवशेष निकलते हैं। दोस्तों, 50 साल पहले गाँव के लोगों ने जो ये बुद्ध अवशेष निकले थे, एक चबूतरे के ऊपर रखे थे। 50 साल से रखे हुए यह बुद्ध अवशेष किसी को भी समझ में नहीं आए कि यह सिर्फ बुद्ध के हैं। गांव वाले करते थे महावीर स्वामी के नाम से पूजा पाठ। देखिए गांव के शख्स ने क्या कहा। घर के सामने ये चबूतरा बना के सब रखा हुआ है, काफी दिन से ये लोग पूजा पाठ करते रहे तो महावीर स्वामी के नाम से ऐसे कुछ करते रहे, जिसको मैं 50 साल से मैं भी देखता रहा, कभी ध्यान नहीं दिया। ये गाजीपुर से कुछ ऐसे ही लोग आए थे जिन्होंने चिन्हित किया सब भगवान से, तब से इनका पूजा प्रसाद धीरे धीरे बढ़ रहा है। दोस्तों, इन सबके हाथों में जो बुद्ध के अवशेष है उसमें धम्म चक्र, अवलोकितेश्वर बुद्ध, कमल का फूल, आसन पर बैठे बुद्ध तथा बुद्ध के मुकुट तथा बुद्ध का टूटा हुआ हाथ है। दोस्तों, मुझे एक सवाल है कि किसकी बुद्ध के साथ दुश्मनी थी। जिस बुद्ध ने ना ही किसी के साथ झगड़ा किया, ना किसी से वैर रखा, ना किसी के साथ लड़ाई की, फिर भी बुद्ध की प्रतिमा किसने खंडित की, यही सवाल भंते सुमित रतन भी पूछ रहे हैं। ये बौद्ध अवशेष सब खंडित हैं, तोड़े गए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि बुद्ध की किससे लड़ाई थी, उनकी प्रतिमाओं से किससे झगड़ा था जिन्होंने इनको खंडित किया है। दोस्तों, आपको यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि फिर एक संदेश दुनिया तक पहुँचे कि फिर एक बार खुदाई में मिले बुद्ध। दोस्तों, आप अगर इस चैनल पर नए हैं और आप इस वीडियो को लाइक किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। जय भीम नमो बुद्धाय।